So ladies and gentlemen, welcome back to yet again another episode of Good Game News by Sports Kila. मैं हूं चकीला और आज के एपिसोड में हम सब बात करने वाले हैं अबाउट BGIS 2023 एंड कहां पर इस बारी BGIS एयर होने वाला है. उसके बाद हम बात करेंगे स्नैक्स की एक नई टीम के बारे में, मावी के एक नए डिसीजन के बारे में और अल्फा क्लैशर की कुछ बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ एक्सपोजिंग स्टेटमेंट्स के बारे में और उसी के साथ साथ एक नई गेम के बारे में भी आपको बताएंगे. ऑल इन ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज बाय स्पोर्ट्स कीला. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IPL 2023 के बाद बिग बॉस OTT के बाद अब BGIS 2023 जो कि पार्टनर कर चुका है जियो सिनेमा के साथ फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द इवेंट. जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, क्राफ्टन ने पार्टनर कर लिया है जियो सिनेमा के साथ टू लाइव स्ट्रीम द बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज 2023 जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैटल रॉयल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें 2000 से भी ज्यादा टीम्स खेल रही है फॉर द प्राइस पूल ऑफ 2 crore rupees. अब जियो सिनेमा पे टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है द ग्राइंड के फाइनल राउंड से जो कि शुरू होने वाला है अगस्त 17 से और खत्म होने वाला है अगस्त 20 को और उसके बाद लाइव स्ट्रीम होने वाले हैं इवेंट के ग्रैंड फाइनल्स जो कि अक्टूबर 12 से शुरू होकर अक्टूबर 14 तक चलने वाले हैं. और इस कोलैबोरेशन का एक ही एम है दैट ई स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाया जा सके. सो वी डेफिनेटली विश ऑल द प्लेयर्स अ वेरी गुड लक जो कि हमें जियो सिनेमा पे देखने वाले हैं बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन ई स्पोर्ट्स. अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्नैक्स के बारे में जिनके बारे में हाल ही में कुछ एपिसोड्स पहले हमने कवर किया था दैट ही इज नॉट इन हिज परफेक्ट शेप एंड उसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं. बट नाउ स्नैक्स की एक नई स्टेटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है दैट डेफिनेटली रिवील्स अ न्यू साइड ऑफ स्नैक्स. हम स्नैक्स 2.0 भी बोल सकते हैं इसको एंड स्नैक्स ने खुद ही अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला दैट उन्होंने अपना पुराना फॉर्म वापस से रीगेन कर लिया है और हो सकता है दैट अगर वो BGIS में अच्छा परफॉर्म ना करें तो शायद हमें स्नैक्स एक नई टीम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं. आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा. जानता हूं मैंने चैट में देखे जो बंदे मेरे को प्यार कर रहे थे पहले राउंड से क्या भाई डे वन से वो बंदे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी में मैं खुश हूं. दूसरी बात उन लोगों को ही बोल रहा हूं कि सॉरी गाइस डिसअपॉइंट करने आपको बाकी जो हेट दे रहे उनको तो बोल के फायदा नहीं. तो तीसरी बात अब आगे क्या ये टूर्नामेंट एज अ ट्रायल बेसिस पे घुसा था एंड ऑब्वियसली यार अभी देखो इंडियन क्वालिफायर से मैं खेल के आऊंगा एंड होपफुली उसमें क्वालिफाई हो जाए बाद में राउंड वन खेलेंगे होपफुली उसमें भी हो जाए बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना एज अ टीम कि बोल तो भाई मेरे साथ वाले जो खेल रहे हैं वो लोग भी बहुत टाइम से नहीं खेले एंड दो बंदे नए हैं तो वो थोड़ा नर्वस है वैसा है कुछ है तो उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना. बट मैं मेरा पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फाइनल्स तक पहुंचूं. अगर मैं फाइनल्स तक पहुंच जाता हूँ बहुत बड़ी बात है भाई इस टीम के साथ मैं फाइनल्स तक पहुंच रहा हूँ जो कि हम लोग खेलेंगे एक महीना साथ में खेलेंगे एक महीना भी ढंग से साथ में नहीं खेले तो उस हिसाब से मैं इंडिविजुअली अपना गेम प्ले निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पहले जैसा तो वो अब मैं फील आ रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं अब अच्छी टीम में ज्वाइन करने के लिए मैं रेडी हूँ. तो वैसे BGIS के बाद डेफिनेटली मैं एक टीम देखूंगा कोई भी टीम जो जिनको प्लेयर चाहिए मैं उनके साथ खेलूंगा अच्छी टीम में तो बस वही है अब प्रिपेयर्ड है. और अब आज के अगले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू गेम दैट इज द इमॉर्टल्स ऑफ AVM जो कि एक सिनेमैटिक फर्स्ट पर्सन शूटर है जिसमें मैजिक स्पेल्स को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ गन्स एंड बुलेट्स. और अब कहीं ना कहीं ये सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है दैट कॉल ऑफ ड्यूटी इमॉर्टल्स ऑफ AVM और डेड स्पेस के डेवलपर्स कहीं ना कहीं सेम है एंड ये ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा हटके एक गेम को बनाने के लिए. और इसी के साथ साथ द EA ओरिजिनल ने यूज किया है अनरियल एंजन 5.1 को टू क्रिएट एपिक सिनेमैटिक्स fast, bright and magical looking gameplay. The Immortals of AVM को रिलीज होने वाली है 22nd of August 2023 को और इसे कंफर्म कर दिया है इनके पब्लिशर ने. So, are you guys ready or not? Let us know in the comments below. अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं GE मावी के बारे में. हमने कुछ ही एपिसोड्स पहले ये टॉपिक कवर किया था दैट मावी की हेल्थ सही नहीं है एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग द करंट टूर्नामेंट्स एंड कहीं ना कहीं इस वजह से ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की एक मिस्टीरियस साइड सामने आती हुई दिखाई दे रही है दैट द प्लेइंग फोर इज प्लेइंग वंडरफुली अमेजिंग विदाउट मावी. और इसी गोल्डन परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों ने सराहा भी है बट काफी ज्यादा लोगों ने पिन पॉइंट भी किया है मावी को दैट मावी के बिना टीम काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है. और हाल में ही आईफ्लिक्स ने भी अपनी स्ट्रीम में कहा है दैट शायद मावी को अब कोच करना चाहिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को रादर देन प्लेइंग इन द प्लेइंग फोर. अब क्या आप लोग इस स्टेटमेंट में हामी भरेंगे या फिर आप कहेंगे दैट नो मावी शुड बी प्लेइंग इन द प्लेइंग फोर लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. बट तब तक के लिए सुन लो दैट आईफ्लिक्स ने क्या कहा. मावी के बिना जी बढ़िया खेल रहे तो भाई जी को यही कंटिन्यू कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से. जिस तरीके से देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ गाइस मैं मावी को ऊपर हेट या फिर कुछ ऐसा नहीं है. मावी की एड होन ऑन है से अगर जी की परफॉर्मेंस कम पड़ रहा था और जी की परफॉर्मेंस अभी अच्छा चल रहा है तो अभी की ही लाइनअप जो है वही सही चलनी चाहिए कदम ठीक है. वहाँ पे ये लाइनअप जो है ये बीच में यू नो मावी जब वापस आएंगे या फिर जो लाइनअप में गुस्सा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. मावी मैं तो बोल रहा मावी फिफ्थ मैन रह के उन सबको
ना अगर कुछ गलती वलती हुआ तो उनको समझा सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर एक टीम परफेक्ट है, हर एक टीम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करते ही रहता है। तो आपस में अगर यू नो कुछ दिक्कतें हो रहा है समझने का या फिर समझाने का, तो माँ भी कैन डू दैट ना। माँ भी के पास इतने अच्छी एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा लीडिंग एक्सपीरियंस है पूरी टीम का, तो पहले से ही तो अपनी टीम को लीड करते आ रहे हैं, तो ही कैन बी अ लीडर एंड अ कोच फॉर द टीम। दैट्स व्हाट आई फील। अब इस सब के बाद आज के एपिसोड के आखिरी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे अल्फा क्लैशर एंड अबाउट सम रीसेंट स्टेटमेंट्स जो उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में दी है, जहां पर अल्फा क्लैशर के हिसाब से उन्होंने हाइड्रा के और हाइड्रा डायनामो के कुछ राज सबके सामने रख दिए हैं जो शायद उनके हिसाब से डायनामो को एक्सपोज कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं अल्फा क्लैशर ने क्या कहा। हाइड्रा में 5-स्टार फैसिलिटी मिलती थी हर जगह पर, जो करना है कर सकते हो, करेक्ट। इस पे सिर्फ मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि हाँ भाई, 5-स्टार फैसिलिटी तो बहुत अच्छे तरीके से मिली, बट जैसे 5-स्टार होटल में होता है ना कि हर एक चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हाँ भाई 5-स्टार फैसिलिटी हर जगह मिली, एक चीज करने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे हमको हर एक चीज करने के लिए। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट डायनेमो इज ट्राइंग टू से दैट हाइड्रा के पीछे कस्टमाइजेशन होती थी, हाइड्रा बूटकैंप के पीछे कस्टमाइजेशन होती थी ना। लेट मी शो यू कि कितनी मेरे कैबिनेट में कस्टमाइजेशन थी, कितने मैंने बूट कैंप डिजाइन किया है यार, मुझे ही बता रहे हैं क्या कितने लोग। गाइस चार्ट बताना गाइस, किसके हाइड्रा बूट कैंप में, किसके स्ट्रीमिंग कैबिनेट के पीछे अल्फा क्लैशर, बीटीज लाइव, ऋषभ, डेंजर, कनिका, डायनेमो, किसके पीछे लिखा था? सिर्फ एक ही रूम के पीछे लिखा था, और वो रूम किसका है वो भी आपको पता है। किस इंसान ने बूट कैंप के स्ट्रीमिंग रूम के अंदर कस्टमाइज किया था? लेट मी नो वन नेम। इस इंसान के बैकग्राउंड के पीछे अपने गोल्डन प्ले बटन लगे हो, अपना नाम लगा हो। मैनिपुलेशन गाइस, दिस इज द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन गेम दैट ही प्लेस। मैं बता रहा हूँ फैक्ट्स के साथ, आज मैं पूरी M2 लोड करके आया हूँ बिकॉज मैं भर चुका था भाई मेरे अंदर का, लिटरली कस्टमाइजेशन। भाई इतना कस्टमाइजेशन हो रहा था हाइड्रा बूट कैंप में कि पूरा बूट कैंप ही कस्टमाइज करके गायब कर दिया हमने। अब अल्फा के द्वारा लगाई गई ये काफी सीरियस एलिगेशंस हैं, जहां पे उन्होंने कहा है दैट उनको 1% भी हाइड्रा बूट कैंप की कस्टमाइजेशंस की परमिशंस नहीं दी गई थी, जबकि डायनामो ऑन द अदर साइड ने कहा है दैट अल्फा क्लैशर को पूरे के पूरे राइट्स थे। कहीं ना कहीं अल्फा क्लैशर ने अपनी स्ट्रीम में भी बताया दैट पूरा का पूरा हाइड्रा बूट कैंप उन्होंने ही डिजाइन किया है। सो आई सपोज दैट इट गिव्स हिम अ कंप्लीट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, बट अल्फा क्लैशर के हिसाब से दिस इज नॉट सो। अब ये कंट्रोवर्सी आगे जाकर क्या रूप लेने वाली है, आप लोगों को क्या लग रहा है, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। बट तब तक के लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज टकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड, सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन।